طهارت کے قصیدے قرآن کریم میں اللہ کی زبان سے پڑھے ہوں, اس کے لیے پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اے میرے پیغمبر, انا اعطینا الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا ہے. اس سورے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر 40 روز ایک انسان وضو کر کے 100 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرے تو پروردگار اس سورے کی برکت سے خواب میں اس کی ملاقات نبی کریم سے کرے. آج بھی ان کا لاڈلا ہے, آج بھی دین کی حفاظت کرنے والا ہے,
अब आप ये बताइए कि जो बाकी ना आता ही ना कर कौशल, मेरे पैगंबर हमने आपको कौशल दिया, यानी अल्लाह सबका खालिक है मगर किसी को पैदा करके इतना फकर ना किया जितना फकर इस जुमले में है, हमने आपको जहरा दी। जंगो जिदार में
भी काम आता है और तो कोई इजाजत नहीं है जंगो जेदार में जाने की। इसीलिए मेरे मौला ने नहजुल बलागा में फरमाया जिहादुल मरअते हुस्नु तबाउल, जब औरतों ने आके शिकायत की अली से कि ऐ अली पूरी कायनात के मर्द जिहाद करने के बाद सवाब हासिल कर लेते हैं, हम जिहाद का सवाब हासिल करें तो कैसे करें, तो मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया जिहादुल मरअते हुस्नु तबाउल, औरत का बेहतरीन जिहाद यह है कि वो अपने शौहर के साथ उसने सुलूक करे। इसलिए कि जब उसने सुलूक करेगी तो घर का माहौल खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। औरत को पैदा इसलिए किया गया है ताकि ये घर के निजाम को चला सके। सही औरत वही है जो घर का निजाम सही चलाए, वरना भी उसको औरत को औरत कहने का हक नहीं है। बारह ये जो जुमला आ गया था तो कुरान के मुंह से, अब आइए अल्लाह ने पैगंबर से बेटे ले लिए और दी एक बेटी, चार भी नहीं। पैगंबर को दिए एक बेटी, उसके प्रूफ है इंशाल्लाह वो मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। पैगंबर को दी एक बेटी और कह क्या रहा है, हमने आपको कौसर दिया यानी सबसे ज्यादा औलाद दी, तो परवरदिगार बेटी एक दे रहा है, बेटा भी नहीं है बेटी है, अभी एक बेटी लेके कह रहा मैंने कौसर दिया यानी बहुत ज्यादा औलाद दी। अब आइए कुरान करीम में, जनाबे आदम को कितने बेटे मिले, तीन, एक हाबील एक काबील एक जनाबे शीस। हाँ सुनते रहिए, जनाबे शीस जो जनाबे आदम के नुमाइंदे बने कितने बेटे हो गए, तीन। इधर एक बेटी दे के कौसर कहा, उधर तीन बेटे दे दिए, मगर कुरान करीम में कहीं दिखाई है हमने आदम हमने आपको कौसर इनायत फरमाया। देखिए गहराई है, चलते चले जाइए ना मेरे साथ तो इंशाल्लाह एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। तीन बेटे आदम को दिए मगर ये नहीं कहा हमने आपको कौसर दिया। जनाबे नूह को भी तीन बेटे मिले मगर ये नहीं कहा कि हमने आपको कौसर इनायत फरमाया। जनाबे इब्राहिम को दो बेटे मिले जिनसे एक से नस्ले इमामत चली, एक से नस्ले नबुवत चली, क्योंकि एक है इसहाक और एक है इस्माइल। इसहाक की नस्ल से पूरे अंबिया हैं, इस्माइल की नस्ल से खाली एक नबी है जो कायनात का सबसे बड़ा नबी है। यह हमारा नबी जो कायनात का सबसे बड़ा नबी, यह किसकी नस्ल से है, जनाबे इस्माइल की, जनाबे इसहाक की नस्ल से नहीं है। तो जनाबे इसीलिए जनाबे इब्राहिम को सबसे ज्यादा अंबिया में शरफ मिला कि उनके एक बेटे से नस्ले नबुवत चली और एक बेटे की नस्ल में सबसे बड़ा नबी आया और फिर उसकी एक बेटी हुई और उस बेटी से भी नस्ले इमामत हासिल तक चल रही है, तो दो बेटे इसीलिए उनको दर्जा हासिल है। मगर कुरान ने नहीं कहा है इब्राहिम हमने आपको कौशल इनायत फरमाया। जनाबे याकूब को 12-11 बेटे मिले, मिले या नहीं मिले, कुरान में तज़किरा है उनका, जनाबे यूसुफ का तज़किरा है, सूरह यूसुफ कुरान करीम में मौजूद है, मगर कहीं ये नहीं है 12 बेटों के बाद कि हमने आपको कौशल इनायत फरमाया। और उनमें यूसुफ जैसा भी है जिसको भाइयों ने कत्ल करने के इरादे से कुएं में डाल भी दिया, और एक भाई था जिसका नाम यहूदा था, जब इन्होंने सबने उसको डाला और कत्ल करना चाहा तो जनाबे यहूदा सामने आ गए और उन्होंने कहा कत्ल ना करो कुएं में डाल दो। उनका इरादा यह था कि जब कोई कुएं से पानी निकालेगा तो यूसुफ की जान